हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैश एजुकेशन। दोस्तों, आप लोग वीडियो में आने से पहले आप भली भांति समझ गए होंगे कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत करने वाला हूँ उसे देख कर आप भी चौंक उठेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक, क्योंकि मैं आपको ऐसा एक प्रूफ दूंगा जिसे देख कर आप भी हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, मेरा एक आपसे अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जब मैट्रिक और इंटर का जब परीक्षा समाप्त हुआ था तो परीक्षा के 10-15 दिन के बाद कॉपी का मूल्यांकन प्रारंभ हो गया था। और जैसे ही कॉपी का मूल्यांकन प्रारंभ हुआ 10-15 दिन के बाद, तो बहुत सारे छात्रों के पास जो है फ़ोन कॉल्स आने लगे थे। पता है क्यों? पैसे के लिए। जी हाँ दोस्तों, पैसे के लिए छात्रों के पास फ़ोन आने लगे। इतना ही नहीं बल्कि कॉलरों को ये भी पता हो गया था कि उनका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, परीक्षार्थी का पूरा डिटेल्स, पूरा लिफाफा उनके पास आ गया था। तो कैसे आ रहा है उनका, हम थोड़ा रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं कि कैसे जो है फ़ोन कॉलर्स कॉल करते हैं। उसके बाद हम आपको वो प्रूफ देंगे जिससे आप भी हैरान हो जाएंगे। हेलो जी भैया, बोलिए सर। तो अभी तक आप पेमेंट नहीं किए सर? सर टाइम लगेगा ना, अकाउंट में डालना पड़ेगा। मेरे पास अकाउंट में कैश थोड़ी ना है सर। तो कितना देर में होगा? जैसे कि ऑफिस के 4 बजे तक खुली रहेगी ऑफिस, ऑफिस 1 घंटे के बाद बंद हो जाएगी ना जी? तो बंद हो जाएगी तो सर मैं बैंक में अभी जा रहा हूँ, वहाँ पे लाइन भी थोड़ा लगना पड़ेगा कैश डालने के लिए, इसलिए अकाउंट में कैश नहीं है। थोड़ा अरेंज कर दीजिए तो अच्छा रहेगा सर। क्या सर बोले कि सर थोड़ा अरेंज कर दीजिए, थोड़ा टाइम तो लगेगा मुझे पैसा डालने में आपको। तब तक आप काम कर दीजिए, अभी डाल रहे हैं आपको। काम आपकी कर दी जाती है, काम आपकी जैसे पेमेंट पहुंच जाएगी काम आपका हैंड टू हैंड हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट पहुंचता काम वहाँ देखते हैं कि पेमेंट आ गई, जैसे ही काम हम यहाँ जी क्लिक कर देते हैं जी सर। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस प्रकार से छात्रों के पास कॉल आ रहे हैं और पैसों की डिमांड की जा रही है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठती है कि आखिर वैसे दलालों के पास छात्रों का डिटेल्स कैसे पहुँच रहा है, कैसे जान रहे हैं वे लोग छात्रों का पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स। तो ऐसे तो बिहार बोर्ड की तरफ से यह कहा जाता है कि छात्रों की जो डिटेल्स है गुपनीय होती है, और यहाँ तक कि कॉपी का मूल्यांकन भी गुप्त रूप से किया जाता है। तो आखिरकार कैसे पहुँचे पूरे इन्फॉर्मेशन उन दलालों के पास जो बच्चों से पैसे की डिमांड करते हैं? जब कॉपी का मूल्यांकन गुप्त रूप से होता है, बच्चों का जो है डिटेल्स गुप्त रूप से रखा जाता है, तो कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंच रहे हैं दूसरे व्यक्ति के पास और बच्चों को फेल बताते हैं, जिससे बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और क्योंकि बच्चे जो होते हैं काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी लगन के साथ अपनी परीक्षा देते हैं और परीक्षा के आने का रिजल्ट आने का इंतज़ार करते हैं और वो उस रैंक तक पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत किया और दलालों के द्वारा बता दिया जाता है कि वो फेल हैं, और वो भी अफवाहें झूठ बता दिया जाता है कि वे फेल हैं और पैसों का डिमांड किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे दरिंदों के बात पर न रहें जो परीक्षा का अपना बिजनेस और परीक्षार्थी को अपना मुजरा बना लिए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बोलना चाहता हूँ वो भली भांति समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि भावी बच्चे इन दलालों के बात पर कोई गलती आकर न कर बैठें। इसलिए इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन सब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मेरे चैनल पे इंटर मैट्रिक और आईटीआई की तैयारी भी कराई जाती है। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।